किसी बंदे नूं फांसी सजा दित्ती जांदी आ उहदी भी आखिरी ख्वाहिश पुछी जांदी आ सानूं पुछ लैंदे तुसीं रिजाइन कर दो मैं पहला बंदा हुंदा कि आ फड़ो जी रिजाइन मैनूं कोई इतराज़ मैनूं उहदा दुख है मैं अज इको गल पुछणी चाहुंदा मैनूं जिहड़े साडे अज भरा मंत्री बन रहे ने मैं उहनां सारिआं नूं बधाई देनी चाहुंदा उस सारे बधाई दे पात्र ने क्यों हर बंदा जो एम एल ए बनता उहदा इक टास्क हुंदा है कि जी मैं मंत्री बना तो वो इलाके के लोगों की भी यही आस थे साडा बंदा मंत्री बने तो कम करूगा तो वो जिहड़ी चीज़ हुंदी आ असीं उहनां नूं बधाई दिंदे आ ते सानूं उहनां नाल कोई इतराज़ नहीं सानूं सीएम साहब चन्नी साहब नाल कोई इतराज़ नहीं मैं सिर्फ अपनी हाई कमांड मां वर्गा रोल प्ले करती है ये पुछना चाहते हैं भी मेरा की कसूर सी कि जिहड़ा मैनू इस मिनिस्टर तों बाहर किया गया आ मेरा क्वेश्चन है जे कोई है जिहड़ा क्यों है तो वह मैं दस दिता जाए थैंक यू मैं तो यही हाई कमांड पुछना चाहना मेरा कसूर की सी जो कोई मेरा कसूर है तो मैं पूछ लैन मैं तो जवाब दूंगा मैं सोनिया गांधी का सिपाही हाँ बाजवा साहब मैं सोनिया गांधी का सिपाही हाँ मैं अपने वालों कुछ नहीं कहना मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हाँ मेरी थर्ड जनरेशन इस पार्टी के होगी पहली नहीं है थर्ड है मेरे मामा के काले पानी जेल कट्टी तो मैं मेरा फादर ये हाल होगा नहीं बाजवा साहब 30 साल मैं अपनी जवानी के लेखे लगते इस पार्टी वास्ते दूजी गल सीवे की इनकुआरी मैं चली 4.5 घंटे मैं टॉर्चर किया गया क्योंकि मैं पार्टी का विलेज इस करके अज मैं इंसाफ मंगना मैं इंसाफ देना मेरा कसूर की है मैं कहना भी किसी बंदे तलोजन जी किसी बंदे फांसी सजा दी जाती है उसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है सानू पूछ लेंदे मैं एक गल फिर सुन लो मैं ये कहना चाहना जो सानू 10 दिन पहला कहें भी तुम असी नवे बंदे लियाने भी तुम रिजाइन कर दो मैं पहला बंदा हों आ फड़ो जी रिजाइन मैं कोई इतराज नहीं सीधी जी गल आ मैं अपना बिना बेझिझक हो के जिहड़ी अज मेरे इलाके दे लोकां दी निराशा हैगी आ मैनू उहदा दुख है मैनू अपनी सुनो अपनी मिनिस्ट्री दा भोरा मलाल नहीं मैनू भोरा दुख नहीं और मैं बिल्कुल ये गल कहनी चाहुंदा कि मैनू इक इस तरह भी मैं पावर दा भुखा नहीं हाँ जदों मैं पावर च नहीं भी सीगा हुण मिनिस्टर बनिया मैं पिछले 28 साल तो सेवा करदा आ रहा पंजाब की सियासत इन्हां दिनी गरमाई हुई है मेला पूरा भख्या होया है कुछ ही देर पहला बलबीर सिद्धू ते गुरप्रीत कांगड़ ने जिहड़े प्रैस कॉन्फ्रेंस करते ने ते अपना दुख जाहर करते ने कहते ने कि हाई कमांड ने साडे नाल अजिहा वर्ता क्यों किया क्यों सानू कैबिनेट जिहड़ी लिस्ट आ उस दे विचों कढ़िया गया इस वेले असीं बलबीर सिंह सिद्धू की जिहड़ी सरकारी रिहायश है उसके बाहर खड़े हाँ जिथे कि कुछ देर पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है जिस दे विच बलबीर सिद्धू खुद भावुक हुंदे नज़र आते हैं कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भी उन्होंने काम की शलाघा की गई है फिर क्यों जिहड़ा उन्होंने नाल अजिहा वर्ता किया गया क्यों उन्होंने जिहड़ा कैबिनेट लिस्ट के बाहर कढ़िया गया कितना कितने जिहड़े भावुक हुंदे भी नज़र आए पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस के कितना कितने अपनी जिहड़ियां उपलब्धियां ने पूरे 4.5 साल के विचकार की कुछ किया उन्होंने वह भी दसते नज़र आए हैं तो लगातार जड़ा पंजाब की सियासत दे उत्ते जड़ा इस वेले देखा जाए कि कुछ सिचुएशन बनी हुई है पंजाब की सियासत लगातार गरमांदी नज़र आ रही है अज सहुं चुक समागम भी है चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब की जिहड़ी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है सहुं चुक समागम 4:30 बजे गवर्नर हाउस के है तो उस तो पहला जिहड़े बलबीर सिद्धू गुरप्रीत कांगड़ प्रैस कॉन्फ्रेंस करके हाई कमांड नूं सवाल पुछते हैं कि आखिरकार क्यों उन्हां नूं अजिहा जिहड़ा
समा वेखना पै रहा है, क्यों अजिही तस्वीर सामने आ रही है, क्यों कैबिनेट लिस्ट के विचों बाहर कढ़िया गया। कैमरामैन गोल्डी नाल सतविंदर रंधावा, विजन पंजाब टीवी, चंडीगढ़।